स्टूडेंट्स, टेक्निकल प्रॉब्लम कारण लास्ट वीडियो अचानक से शटडाउन हो गया था। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन फार्मूला हमने लिख लिया था। फिर हमने वैल्यू रखा एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू प्लस एम सी पी टी फोर माइनस टी थ्री माइनस एम सी वी टी फाइव माइनस टी वन एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू प्लस एम सी पी टी फोर माइनस टी थ्री। देखिए, इन सारे वैल्यूज़ में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ एम। सो हम एम को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे ही रख दे रहे हैं, सी बी टी थ्री माइनस टी टू प्लस सी पी टी फोर माइनस टी थ्री माइनस सी बी टी फाइव माइनस टी वन। उसके अलावा सी बी टी थ्री माइनस टी टू प्लस सी पी टी फोर माइनस टी थ्री। ओके, देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन माइनस, अब देखिए सी बी टी थ्री माइनस टी टू प्लस सी पी टी फोर माइनस टी थ्री जो है, ये पूरा का पूरा टर्म सेम है जैसा कि नीचे है इस कैल्शियम में। तो अब हम इस पार्ट को क्या करेंगे, अलग कर देंगे इसके साथ, और ये जो पार्ट है ये भी अलग हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ। ये दोनों पोर्शन बराबर हैं, ये दोनों कैंसिल होंगे और हमको वैल्यू मिलेगा वन माइनस, बच गया क्या, सी वी टी फाइव माइनस टी वन डिवाइडेड बाई सी वी टी थ्री माइनस टी टू प्लस सी पी टी फोर माइनस टी थ्री। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी वी का इंटू कर रहे हैं दोनों वैल्यूज़ में, डिवाइड कर रहे हैं सी वी से। तो सी वी सी वी कैंसिल हुआ, टी फाइव माइनस टी वन मिला, यहाँ सी वी कैंसिल हुआ तो टी थ्री माइनस टी टू मिल गया। यहाँ सी बी डिवाइड किया तो सी पी बाई सी बी को हम लिख सकते हैं गामा, और इसको लिख सकते हैं टी फोर माइनस टी थ्री। अब इधर आते हैं, फाइन वैल्यू ऑफ टी टू टी थ्री टी फोर एंड टी फाइव एंड देन। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई आर सी गामा माइनस वन। ठीक है, ये हमने बना दिया अपना एफिशिएंसी का जो मेन फार्मूला है, रो आर नॉट गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई आर नॉट माइनस वन प्लस गामा रो माइनस वन। इसको आप याद कर लीजिएगा, ड्यूल साइकिल आने के चांसेस कम है एग्जाम में। जनरली कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के ही क्वेश्चन आते हैं, पर अगर ड्यूल साइकिल आ भी जाता है तो भी आप याद रखिएगा कि इसमें पांच प्रोसेस हो जाते हैं। पहली चीज़, दूसरा हीट एडिशन जो होता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में भी हो रहा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर में भी होता है। पी वी टी एस डायग्राम और प्रोसेस के बारे में डिटेल्स देंगे, और यहाँ तक भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो भी कम से कम आप 6 से 7 नंबर 10 नंबर में पा लेंगे। और उसके बाद थोड़े बहुत जो इक्वेशन है वो डाल के इस फाइनल वैल्यू को आपको लिखना है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूल साइकिल के चांसेस कम हैं, बेसिकली ऑटो या डीजल साइकिल के ही न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन आना चाहिए। अब हम देखते हैं इन तीनों साइकिल्स में कंपैरिजन करते हैं, जो कि आपके रिटर्न एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कल को किसी कंपनी का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होंगे, उस समय ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। देखते हैं क्या है, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, अगर कंप्रेशन रेशियो सेम है और हीट रिजेक्शन सेम है, क्यू टू सेम है और हीट रिजेक्शन सेम है, कंप्रेशन रेशियो सेम है आर सी, तब के केस में ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, ड्यूल साइकिल बीच में होगा और डीजल साइकिल सबसे कम एफिशिएंसी होगी इसकी। फॉर सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर, अगर तीनों ही साइकिल में मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर सेम है मान लीजिए, तब के केस में डीजल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी साइकिल की, उससे कम होगी ड्यूल साइकिल की, उससे कम होगी ऑटो की। तो देखिए दोनों ही टाइम में ड्यूल साइकिल तो बीच में आ रहा है, इन बिटवीन आ रहा है। जब भी कंप्रेशन रेशियो और हीट रिजेक्शन की बात होगी तो ऑटो साइकिल ज़्यादा बेटर है, और जब मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर की बात होगी तब डीजल साइकिल ज़्यादा बेटर है। इस बात को आप याद रखेंगे तो आगे के रिटर्न एग्जाम्स में आपको फ़ायदा करेगा, ये डेफिनेटली करेगा। आप 2 से 3 एग्जाम में अपीयर होइए, किसी एक एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलेगा। ओके, अब कुछ थर्मोडायनेमिक साइकिल्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि नंबर वन है सिलेंडर बोर। व्हाट इज सिलेंडर बोर, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इन विच पिस्टन मूव्स। देखिए किसी भी सिलेंडर में पिस्टन स्लाइड करती है तो उसका जो इनर डायमीटर है जिसमें पिस्टन स्लाइड करती है उसे ही हम कहते हैं सिलेंडर बोर। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रोक लेंथ। ओके, स्ट्रोक लेंथ क्या होता है देखते हैं, द पिस्टन मूव्स इन द सिलेंडर ड्यू टू रोटेशन ऑफ क्रैंक। देखिए पिस्टन का जो रोटेशन होता है वो क्रैंक, पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो क्रैंक के रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्रैंक क्या होता है, किसी भी मशीन में वह मैकेनिज्म, वह पार्ट जो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, वो जरूरी नहीं है कि करे पर कर सकता है या पूरा घूम सकता है, उसको हम कहते हैं क्रैंक। जनरली इसका लेंथ कम होता है, कम साइज लेंथ का ये होता है, पर यही ड्राइविंग लिंक होता है, इसके घूमने से बाकी सारी चीज़ें घूमती है। तो क्रैंक के घूमने से पिस्टन मूव करता है, तो
एक्सट्रीम पोजिशंस आर कॉल्ड टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर। इसके बारे में डिटेल में हम आईसी इंजन में पढ़ेंगे, पर फिलहाल फिर भी एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जो सिलेंडर होता है उसका जो टॉप पोर्शन है उसको बोला जाता है टॉप डेड सेंटर, जहाँ तक पिस्टन मूव करता है, और जहाँ तक बॉटम में मूव करता है पिस्टन उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। TDC और BDC, मैक्सिमम जहाँ तक पहुँच रहा है TDC, लोअर जहाँ तक पहुँच रहा है BDC। द डिस्टेंस बिटवीन TDC एंड BDC कॉल्ड स्ट्रोक लेंथ। तो यही TDC और BDC के बीच का डिस्टेंस जो है वो कहलाता है स्ट्रोक लेंथ। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ को और भी एक तरीका है जिससे अपन डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू 2 × r, इट मीन्स 2 × रेडियस, या फिर आप लिख सकते हैं स्ट्रोक लेंथ इज इक्वल टू क्रैंक डायमीटर, भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप लिखेंगे 2 × r। तो याद रखिएगा स्ट्रोक लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 × क्रैंक रेडियस करना है, या सीधा आप क्रैंक डायमीटर को भी स्ट्रोक लेंथ की जगह में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है, देखते हैं क्या है। क्लियरेंस वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द वर्किंग फ्लूड व्हेन पिस्टन रीचेस द TDC इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। इट मीन्स देखिए, सिलेंडर में पिस्टन जब स्लाइड करता है तो उसमें कुछ फ्यूल या कुछ भी फ्लूड होता है, तो जब पिस्टन TDC तक पहुंचता है, मैक्सिमम अपने ऊपर कंडीशन तक पहुंचता है, तो उसके ऊपर के थोड़े से वॉल्यूम में फ्लूड या फ्यूल बचा हुआ होता है, पूरा कंप्रेस नहीं हो पाता है फ्यूल। तो जितने स्पेस में ये फ्यूल होता है उसे ही हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। नेक्स्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम, देखते हैं क्या होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी कह सकते हैं। द वॉल्यूम बिटवीन द TDC एंड BDC कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम। TDC और BDC के बीच में, TDC और BDC के बीच में का जो वॉल्यूम है उसे ही हम स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है स्वेप्ट वॉल्यूम का π/4 d² × l, π/4 d² × l। डी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर सिलेंडर बोर है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एल क्या है, यहाँ पर स्ट्रोक लेंथ है, इसको भी हम पहले पढ़ लिए अभी, है ना। तो स्ट्रोक लेंथ एल दैट इज 2 × r। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, π/4 d² l। डी यहाँ पर क्या है, सिलेंडर बोर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर, दैट इज कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर फिर भी देखते हैं। देखिए, एक तो कंप्रेशन रेशियो वो होता है V1/V2 होता है, पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ यह है कि कंप्रेशन रेशियो का एक और फार्मूला है, वह क्या है देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लियरेंस वॉल्यूम। तो एक रेशियो है किस चीज़ का, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होगा, VC होगा। अगर आप इसको सीधा सा बात ये समझ लीजिए, देखिए स्वेप्ट वॉल्यूम जितने एरिया में पिस्टन मूव कर रहा है वो वॉल्यूम, और क्लियरेंस वॉल्यूम जो एरिया बच गया जहाँ तक वो पूरा टच नहीं होगा ऊपर तक, थोड़ा सा एरिया छूटेगा वो है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो VC + VS/VC कीजिए, आपको कंप्रेशन रेशियो मिल जाएगा। फिर एक टर्म है मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मध्य प्रभावी दाब। ये क्या होता है देख लेते हैं। द कॉन्स्टेंट प्रेशर और एवरेज प्रेशर एक्टिंग ऑन द पिस्टन ड्यूरिंग द वर्किंग स्ट्रोक एक्चुअली प्रेस। हाँ देखिए, द कांस्टेंट प्रेशर और एवरेज प्रेशर, जो भी कांस्टेंट प्रेशर है या फिर जो भी एवरेज प्रेशर हम मान रहे हैं जो पिस्टन के ऊपर एक्ट कर रहा है जब स्ट्रोक वर्किंग का कंडीशन है, तो उस समय के प्रेशर को हम कहते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसका एक फॉर्मूला होता है, डैट इज वर्क डन बाय स्वेप्ट वॉल्यूम। जो भी वर्क डन हुआ है डिवाइड कीजिए स्वेप्ट वॉल्यूम से, आपको मिल जाएगा मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, उसके उनके ऊपर हम ध्यान देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। इफ इंजन सिलेंडर डायमीटर इज 17 सेंटीमीटर, आपको इंजन का सिलेंडर डायमीटर कितना दिया है 17 सेंटीमीटर, एंड स्ट्रोक लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, क्लियरेंस वॉल्यूम इज 0.002025 m³, एंड गामा इज इक्वल टू 1.4, देन फाइंड द ऑटो साइकिल इफिशियंसी, ऑटो इंजन इफिशियंसी आपको पता लगाना है। तो हमने एक PV डायग्राम बना लिया हमारा, जिसमें हमने बना दिया एडियाबेटिक कंप्रेशन, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो देखिए, ये जहाँ तक स्ट्रोक हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, उसको हम क्या मान रहे हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम मान रहे हैं, और जो जो थोड़ा सा जगह बच गया उसकी को हम क्या मान रहे हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम मान रहे हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है, टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन स्लाइड करेगा। तो देखिए क्या क्या डेटा हुआ है, दिया हुआ है डायमीटर, दिया हुआ है हमें सिलेंडर डायमीटर 17 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर तो हमारा CGS यूनिट है, और हम जो वर्क करते हैं वो SI यूनिट में वर्क करते हैं, तो SI यूनिट होता है मीटर। तो सेंटीमीटर को आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट इज 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.17 m। देन आगे चलते हैं, एल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर स्ट्रोक लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.3 m। क्लियरेंस वॉल्यूम BC इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पर देखेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू है। तो BC बोलिए या
यहाँ से यहाँ वी टू भी बोल सकते हैं, आप यहाँ से यहाँ वी थ्री भी बोल सकते हैं। तो तीनों चीज़ें मैंने लिख दी है, वी सी इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री इज इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, 0.002025 मीटर स्क्वायर हो गया ये। यहाँ पे एक थोड़ा सा दिक्कत हुआ, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूबिक होता है, तो मैंने इसे करेक्ट कर दिया। ओके देन हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या निकालना है, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी निकालनी है। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 - 1/RC γ - 1। RC हमें पता होना चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे क्या, जब हमें RC पता होगी तभी हम निकाल सकते हैं ऑटो साइकिल की इफिशियंसी। तो RC निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे स्विफ्ट वॉल्यूम। स्विफ्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, π/4 d² l। π/4 d का वैल्यू 0.17 था रख दिया, इंटू एल स्ट्रोक का वैल्यू 0.3 था उसको भी हमने रख दिया। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा निकल गया VS = 6.8 × 10³³ m³। ये हमारे सामने आ गया। ओके अब देखिए RC कंप्रेशन रेशियो क्या है, V1/V2 है या फिर VC + VS/VC है। तो VC हमको दिया हुआ है 0.0025, दोनों जगह रख दिया हमने, प्लस कंप्रेस VS जो वैल्यू आया हमारा 6.80 × 10⁻³, इसको भी हमने रख दिया। जब इस वैल्यू को हमने कैलकुलेटर के द्वारा सॉल्व किया तो RC की वैल्यू हमें मिल गई 4.3। अब इसी 4.3 को हमने मेन फार्मूले में रखा, ऑटो साइकिल एफिशिएंसी के फार्मूले में। तो 4.3 को रखने के बाद गामा का वैल्यू 1.4 अंडरस्टूड है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो गामा का वैल्यू आपको 1.4 लेना है, ठीक है। 1.4 - 1 कर दीजिए तो यहाँ से आपको एफिशिएंसी मिल गई टोटल 44% मिली, वैल्यू 0.44, और परसेंटेज में एफिशिएंसी को शो करते हैं हम। तो परसेंटेज में एफिशिएंसी को शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 100 का इंटू करना है। तो अब जब हम 100 का इंटू कर देंगे तो ये क्वेश्चन का जो मेन वैल्यू है 44% वो हमको मिल जाएगा। अनदर क्वेश्चन हम देखते हैं एक बार। एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल इन विच एयर एंड पेट्रोल सप्लाईड एट 0. देखिए ऑटो साइकिल का क्वेश्चन हो गया, इसमें एयर और पेट्रोल सप्लाई हो रहा है 0.1 MPa में, जो हमने लिख दिया है प्रेशर 1 इज इक्वल टू 0.1 MPa। ओके एंड 35 °C टेम्परेचर 1 हो गया 35 °C, इसको केल्विन में बदल दिया 308 केल्विन। ओके इफ कंप्रेशन रेशियो इज 8 एंड हीट सप्लाइड 2100 kJ/kg। तो हीट सप्लाइड Q1 इज इक्वल टू 2100 kJ/kg हो गया, और कंप्रेशन रेशियो 8 है जो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ अभी यहीं आपके सामने ही। दैट इज कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू 8। ओके देखिए फाइंड इफिशियंसी, मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। इफिशियंसी भी बताना है आपको, मैक्सिमम प्रेशर भी बताना है, टेम्परेचर भी मैक्सिमम बताना है। कब, जबकि CP इज इक्वल टू 1.005, CV इज इक्वल टू 0.718 एंड R इज इक्वल टू 0.287 kJ/kgK है, तब के केस में आपको ये बताना है। तो हम पेज स्लाइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल आंसर को हम कैसे बता सकते हैं। ओके ये देखिए हमने ऑटो साइकिल का एक डायग्राम बना लिया, दैट इज 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4, दैट इज 4 to 1। ओके तो देखिए मैक्सिमम प्रेशर क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर P3 है, ये देखिए ये P3, और मैक्सिमम टेम्परेचर भी T3 है, T3 हो गया। TS डायग्राम से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर T3 होगा। ओके अब देखते हैं आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेस 1 से 2 के लिए देखें, देखिए प्रोसेस 1 से 2 के लिए, प्रोसेस 1 से 2 क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो उसके लिए फार्मूला हम लगा लेते हैं जो हमने डेरिवेशन में यूज़ किया था, दैट इज T2/T1 = V1/V2 γ - 1। T2 इज इक्वल टू T1, V1/V2 को हम RC लिख सकते हैं γ - 1। तो T1 का वैल्यू जो है वो पहला वैल्यू 308 हमको दिया हुआ है, RC भी हमको 8 दिया हुआ था हमने लिख दिया, और वैल्यूज रख दिया गामा का 1.4 - 1। यहाँ से आपको T2 का वैल्यू मिल गया 7007.6 केल्विन। ओके हीट सप्लाइड क्या होगा देख लेते हैं। हीट सप्लाइड 2 से 3 में होना है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। हीट सप्लाई का फार्मूला हुआ MCV T3 - T2, Q1 2100 1, M का वैल्यू 1 अगर पर केजी के लिए मान के चल रहे हैं हम, 0.718 CV का वैल्यू, T3 का वैल्यू हमको नहीं पता है, T2 का वैल्यू 707.6 हमने रखा। तो यहाँ पे जब सारे वैल्यूज रख दिए तो T3 का वैल्यू हमको मिल गया
3632.3 केल्विन। ओके, अब हम आते हैं आगे के लिए। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस फिर वन से टू में फिर से हमने लगा दिया, हमने दैट इज पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी बी गामा, फार्मूला होता है इसका, सिंबल होता है, तो वन से टू के लिए है, तो पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा, जहाँ पे पी वन है प्रेशर वन, वी वन है वॉल्यूम वन, ओके, एंड पी टू इज प्रेशर टू, वॉल्यूम इज वॉल्यूम टू एट पॉइंट टू, गामा इज इक्वल टू एडियाबेटिक इंडेक्स। तो यहाँ से पी टू का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से पी टू का वैल्यू आपको निकल रहा है कि पी टू इज इक्वल टू हो रहा है पी वन वी वन बाई वी टू गामा। अब इस वी वन बाई वी टू को हम आर सी लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया आर सी, ऊपर आ गया गामा, पी टू इज इक्वल टू 0.1 इंटू 8 आर सी का वैल्यू 1.4 इज इक्वल टू 1.83 मेगा पास्कल हमको मिल गया, मेगा पास्कल मीन्स 10^6 पास्कल। फिर हम आ गए प्रोसेस टू से थ्री में, जहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो टू से थ्री जो वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, यहाँ के लिए अगर हम देखें तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के फंक्शन होंगे आइडियल गैस के लिए। टी थ्री बाई टी टू इक्वल टू पी थ्री बाई पी टू रख दीजिए, पी थ्री इज इक्वल टू हो जाएगा पी टू इंटू टी थ्री बाई टी टू, तो टी थ्री पता है हमको, टी टू भी पता है, पी टू भी पता है, हमने सारे वैल्यूज रख दिए और यहाँ से हमको पी थ्री का वैल्यू मिल गया 9.39 मेगा पास्कल। अब देखिए पी वन का जो वैल्यू है वो जीरो पॉइंट वन मेगा पास्कल था, तो इसीलिए यहाँ पर जो पी टू का वैल्यू आया वो 1.83 मेगा पास्कल आया, और इसी कारण पी थ्री का वैल्यू भी हमको मिल रहा है 9.39 मेगा पास्कल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1-1 बाई आर सी गामा माइनस वन, 1-1 बाई आर सी की जगह 8 रख दिए, गामा की जगह 1.4 रख दिए, माइनस वन इज इक्वल टू 1-1 बाई 8^0.4। तो इफिशियंसी हो गया, जब आप कैलकुलेटर में इसको यूज़ करेंगे तो इफिशियंसी का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए 0.563, तो ये हो गया 56.3%। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें सारे फार्मूले का यूज़ हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर आप बना लेते हैं, अभी जो सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया है, तो उससे आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, और कोई भी डाउट होता है तो आप ट्यूटोरियल क्लास में या किसी भी क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैंने आपको दो न्यूमेरिकल बताया है और ड्यूल साइकिल बताया है, अगले क्लासेस में हम डीजल साइकिल से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस यूनिट में अभी हमारे पास लगभग दो न्यूमेरिकल्स और बचे हुए हैं जिनको हम करेंगे, जैसे कि ये जो न्यूमेरिकल है अब यहीं से स्टार्ट होगा, हमारा अगला क्लास जो भी स्टार्ट होगा वो इसी यूनिट से स्टार्ट होगा, तो यहाँ तक आप पढ़िए। और थोड़ा सा ये जो यूनिट है ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, क्योंकि इसमें साइकिल्स हैं और चार्ट्स ड्रॉ करने हैं, ऑनलाइन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये इन चीज़ों को आपको समझा पाना, पर फिर भी आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, क्योंकि जो एफर्ट देते हैं उनको कुछ ना कुछ गेन ज़रूर होता है ना। और आपके पास और भी यूट्यूब में और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरे ही वीडियो को फॉलो करें, आप और भी वीडियोस देखिए, आपने नॉलेज के लिए आपको जहाँ से भी गेन हो रहा है नॉलेज, आप उसको बिल्कुल रिकॉग्नाइज कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और कुछ भी कहीं पर भी डाउट होता है तो मुझसे आप वर्बली या फिर आप चाहें तो टेलीफोनिकली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और किसी को अगर मुझसे आके डायरेक्टली पढ़ना है तो वो आके भी पढ़ सकते हैं कॉलेज में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू सो मच।